वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। क्यों, मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से कि आपको ये पता होगा कि हमने कल की जो वीडियो डाली है उसमें ये बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का तरीका मैंने आपको कल बता दिया है। कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। पढ़ने का सही तरीका क्या होता है मैंने आपको तरीका बता दिया। पहली वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी आपको, फर्स्ट वीडियो में यही बताया गया। हमने फर्स्ट वीडियो में यह बताया कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जो पढ़ने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो तरीका के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तरीका क्या होता है पढ़ने का, अब मैं आपको बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको कॉपी है जो आपकी, जो कॉपी है आपकी, ठीक है, उस कॉपी में कैसे लिख के आएंगे, कैसे लिख के आएंगे, ठीक है, लिख के कैसे आना है आपको, लिख के कैसे आना है। अब लिखने का सही तरीका आपको बताऊंगा, लिखने का सही तरीका क्या होगा। अब ध्यान से समझ लीजिए मेरे बात को यार, आपको ये बताएं, मान लीजिए एक बुक उठाता हूं, एक बुक कोई भी ले लेता हूं, एक्स वाई जेड, छोटी सी बड़ी सी जो भी है, ये तो जबरदस्त वाली है, ये एक छोटी सी पतली सी कॉपी लेता हूं, ये एक कॉपी है, मान लीजिए ये आपको एक कॉपी मिलेगी, आपकी जो कॉपी लिखने वाली होगी, आपको जो आप पेपर में लिखेंगे वो इस तरीके से होगी। अब आपको क्या करना होगा, यहां अपना नाम वगैरह लिखना होगा, फर्स्ट पेज पे जो भी होगा रोल नंबर वगैरह नोट करना पड़ेगा, ठीक है, यही आप करोगे। कौन सा पेपर है, किस डेट को, तो ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे, यहां आपके क्लास टीचर के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इतना करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको आपको कॉपी को खोलना है। अब यहां खोलेंगे ना कॉपी, आप ध्यान से देखना, ये पहला पेज होगा, ये दूसरा पेज होगा, बिल्कुल राइट है ना, ये पहला पेज होगा, ये दूसरा पेज होगा। ये जब पहला पेज है तो इस तरीके से खुलेगी ये कॉपी, याद रखना, इस तरीके से खुल जाएगी कॉपी, ठीक है। अब ये पहला पेज हो गया, ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, ठीक है ना, सेकंड पेज हो गया ना। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखना है, अब मेरी बात को ध्यान से देखना है, समझना है आप सभी को। अब मैं थोड़ा सा यहाँ को कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब इसको देख लीजिए, देखो इसको ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है, ब्लैक वाला तो दिखता होगा ना, चलो इसको देखना, देखो अब यहाँ क्या है, फर्स्ट और सेकंड दो पेज आपको दिखाई दिए। अब फर्स्ट और सेकंड दो पेज में आपको क्या दिखना है, इस वाले पेज को कुछ नहीं लिखना है, जो फर्स्ट वाला पेज होगा मतलब कि ये कॉपी बंद थी, इसको ओपन किया हमने, इस वाले पेज पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, इस पर हमें कुछ नहीं लिखना, इसको छोड़ दीजिए। अब ये सेकंड वाला जो पेज था हमारा, ये वाला, ये जस्ट इसको हमने कुछ नहीं लिखा, बात खत्म, इसमें हमें लिखना है, क्या लिखना है। अब यहां देखिए, इस पेज को जब पेज होगी, एक पूरी कॉपी होगी, इस तरीके से हम पेज को पलटे रहेंगे, देखो पेज को हम पलटते रहेंगे, ठीक है ना। अब हमने ये क्या किया, अब यहां हम अंडरलाइन करेंगे, एक बॉर्डर लाइन करेंगे, ये बॉर्डर बना देंगे इस तरीके से। बॉर्डर कितने बनाएंगे, दो लाइनों को बनाएंगे, ठीक है, दो लाइनों को बनाएंगे। लगभग कॉपी में कितने इंच छोड़ेंगे, लगभग मैं एक से डेढ़ इंच छोड़ देना जगह, एक से डेढ़ इंच छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं, एक इंच छोड़ दीजिए कॉपी में, एक इंच जो होती है ना यहां से लेकर बॉर्डर जो होता है लगा हुआ, एक इंच छोड़ेंगे, बस एक इंच, यहां से जो बीच वाली कॉपी से यहां तक एक इंच का सेंटर होना चाहिए, बस एक इंच से क्या करेंगे, बॉर्डर खींचेंगे। इस साइड में हमें बॉर्डर नहीं खींचना है, याद रखना, सबसे पहले कॉपी में हम ये लोग ये करेंगे पेपर, जैसे हमें सबसे पहले हम कॉपी जब एंट्री करते हैं तो हमें कॉपी मिलती है, नाम वगैरह सबसे पहले उतार लीजिए जो भी करना है कर लिए, उसके बाद में आप बॉर्डर खींच देना इस तरीके से। आप फिर इसको पेज को ऐसे पलटेंगे, इस पेज को ऐसे पलटेंगे तो याद ध्यान रखना इस तरीके से ये कॉपी आपको बन जाएगी। कैसी बनेगी बेटा, देखो कैसी बनेगी, इस तरीके की कॉपी बन जाएगी, देखो इस तरीके की कॉपी ऐसे ओपन होगी, ठीक है, ये कॉपी है, मैंने इस पेज को पलटा, ये थर्ड पेज आ जाएगा, ये थर्ड पेज आ जाएगा, और इसके बाद ये कौन सा आएगा, ये सेकंड पेज, ये फोर्थ पेज आ जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ पेज आ जाएगा और ये आ जाएगा थर्ड पेज, देखो ये आ जाएगा थर्ड पेज और ये आ जाएगा फोर्थ पेज। अब मैंने इसको देखो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, उसके बाद में इसको पलटा मैंने पेज को, ये थर्ड आ गया, ये कौन सा आ गया, जो पेस्ट होता है वो हमारा कौन सा आ गया, फोर्थ। अब ये थर्ड वाले पेज में फिर इस साइड में बॉर्डर करेंगे, मतलब बाहर साइड में हमें करना है और इसको भी इस साइड में बॉर्डर करना है, दो दो बॉर्डर करना है, एक एक सेंटीमीटर छोड़ के, मतलब एक एक इंच छोड़ के, सेंटीमीटर नहीं, एक एक इंच छोड़ के करना है। अब यहां से यहां तक एक इंच होगा, यहां से लेकर यहां तक एक इंच होगा, दोनों को छोड़कर आपको क्या करना है, ओके। अब समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, चलो अब क्या करने वाले हो, अब आपको ये इसी तरीके से पूरी कॉपी में बॉर्डर कर लेना है, वो भी बाहर साइड में, ये पलटेंगे इसको, फिर हमारा फिफ्थ वाला पेज आ जाएगा और इधर आ जाएगा सिक्स्थ वाला पेज, इस तरीके से कॉपी जो पलटेंगे पेज को ऐसे करके, तो इस साइड में भी यही करना है, इस साइड में, दोनों साइड में नहीं करना है, कहीं बच्चे इस साइड में करते हैं, ऐसा नहीं करना है, एक साइड में आपको करना है हमेशा, कौन से साइड में, अपने लेफ्ट साइड में हमेशा करना है। हम बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर बन गया कोई बात नहीं, अब इतना टाइम हमें मिल जाता है कि कॉपी हमारे पास आ गई, हमने बॉर्डर बना लिया, अब हमें पेपर आने की बस देरी होती है, कि हम सबसे पहले यही करेंगे अपना काम, ठीक है ना, जो हमारा फालतू का काम होता है, हमें उस टाइम नहीं करना है जब से पेपर आ गया तुरंत हम उसके बाद करना स्टार्ट किया, ये सब कुछ पहले कर लोगे आप, ये सब कुछ क्या करोगे, पहले करोगे। अब पहले करने के बाद में अब आपको क्या मिलता है,
अब आता है आपके सामने पेपर, अब आपके सामने आ गया भाई पेपर, अब पेपर आ गया हमारे लिए, क्या मिल गया बेटा, अब मिल गया पेपर, अब पेपर मिल गया, अब पेपर हमारे हाथ में है, समझ लीजिए ये पेपर है और इस पेपर को हमारे हाथ में, अब इस पेपर को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पेपर को ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए वो पेपर इस तरीके का होगा, ठीक है, अब इसको ओपन करना है फटाक से, ऐसे करेंगे हम लोग, पहले तो आपका सब कुछ लिखा होगा कि बीए सेकंड का जो पेपर है, बीए बीएससी का बीकॉम जो किसका भी पेपर होगा वो आपको सामने होगा, कौन सा पेपर है ये सब कुछ लिखा होगा, आप पलटेंगे इसको फटाक से, हम एक नजर ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे फंस रहे हैं, मतलब जो हमने बताए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर आप याद करके जो क्वेश्चनों को गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं, हमें सिर्फ नजर करना है, सबको पढ़ना नहीं है एक घाई से, अब हमारा दिल को संतुष्टि पहुंचानी है, हमारे किसको, दिल को, याद रखना मेरी बात को, समझ रहे हैं मेरी बात को, अब आपको क्या करना है, अब हमें फटाफट, क्योंकि हमें दिल को संतुष्टि करना है, इसको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको संतुष्ट नहीं कर पाए ना तो आप पेपर में घबरा जाओगे, घबराना नहीं है, पेपर कितना भी कठिन आ जाए घबराना नहीं है, समझ रहे ना, अभी क्या करना है, पेपर को उठाना है फटाफट, ऑप्शन देखो पहले, हम जो भी ऑप्शन हो, शॉर्ट हो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो, जो भी हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर क्या होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से होता है, हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई, ये हाँ मैंने ये भी पढ़ के आऊँ, ये भी पढ़ के आऊँ, ये भी पढ़ के आऊँ, हाँ चार से पांच फंस रहे हैं, चलो ठीक है इसको देख लेते हैं, 8-10 क्वेश्चन है जो भी 4-5 को फंस रहे हैं, बिल्कुल अब दिल को संतुष्ट करना है, ठीक है ना, भले देखो भले ही फंसते ना हो, मतलब 10 क्वेश्चन आए उसमें आपको करने के लिए, या 5 क्वेश्चन आए या फिर 8 क्वेश्चन गाय करने के लिए, आपको क्या करना है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे, क्लियर है, क्योंकि जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वही पेपर में आता है, इस बात को आपको याद रखना है, समझ रहे हो, उसके बाद में नेक्स्ट पेज को पलटेंगे, अब नेक्स्ट पेज पलटेंगे फटाफट, हम देखना है क्या देखना है कि भाई पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे करके देखेंगे हम लोग 1-2 दिन, हाँ ठीक है ये वाला शॉर्ट वाला फंस गया, ये भी फंस रहा है, हाँ ये भी फंस रहा है, इसका ऑथर वाला फंस रहा है, बस इतना देखेंगे फंस रहा है, बस इतना देखेंगे, हाँ जो मैं याद करके आऊँ, बिल्कुल याद करके आऊँ, हाँ ये भी करके आऊँ, समझ रहे हो, दिल को इतना संतुष्ट कर लोगे उतना काम हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद में लॉन्ग में पहुंच जाइए, आप जैसे ही लॉन्ग में पहुंचेंगे, अब लॉन्ग में तुम देखते ही कहोगे हाँ ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, तीनों फंस गए भैया, हटाओ रहने दो, अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा पेपर देख लिया, हमारा माइंड संतुष्ट हो गया, ये भी दिल क्या है, ये भी मान गया कि हाँ पूरा पेपर बहुत इजी आया, मैं कर दूंगा, अब देखो घबराना नहीं है, जो स्टूडेंट घबरा जाते हैं ना पेपर को देखे कुछ नहीं आया, अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, यार ऐसा नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, भले ही पेपर बिल्कुल आउट चले जाए आपसे, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा बन जाता है जो ना सिलेबस से आया हो, ऐसा हो रहा है, यूनिवर्सिटी अभी बता रही है, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हमें बताया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था वो पूरा ही पूरा फिजिक्स का जो पेपर हुआ था पूरा आउट हुआ था, मतलब कि बिल्कुल अलग सिलेबस से, पता नहीं क्या पूछ लिया बच्चों से, वो हैरान हो गए, तो डरना नहीं है वहां आपको, भले ही आपका पेपर कैसा भी बना दे, ठीक है पेपर आपका कैसा है, लेकिन सिलेबस से बाहर थोड़ी बना देगा, इस बात को आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता दूं वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बस इतना आपको ध्यान देकर चलना है और यही करके आना है, समझ रहे हो, अब आपको क्या करना है ध्यान से देखो, हमारे पास कॉपी, हमने पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, अब हमें पेपर जो हमारा पहला पेज था, मैंने आपसे क्या कहा था, देख लीजिए ये हमारा जो फर्स्ट पेज था उससे हमें कुछ नहीं करना था, मैं पहले बता चुका हूँ, अब हमारा सेकंड पेज है, तो यहाँ से हमारे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा पहला है तो पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, मैं बोल के लिखा रहा हूँ आपको, पहले जो सेकंड पेज है इस पर लिखेंगे, ऐसे करके लिखना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है इस तरीके से लिखना है क्वेश्चन नंबर वन का, यदि का भाग है या फिर पहले है, ए है बी है सी है, जो भी भाग हो, ए हो बी हो सी हो डी हो या फर्स्ट हो, इस तरीके से लिखा हो या फिर सेकंड इस तरीके से लिखा हो, तो आप यही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है एक का दूसरे का आंसर, क्वेश्चन नंबर एक का तीसरे, ठीक है इस तरीके से एक का तीसरा, इस तरीके लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एक का तीसरा, एक का चौथा, एक का पांचवा, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे, ठीक है क्वेश्चन को जो हमारा होगा, समझ रहे ना, इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे जो फंस रहा है, आपको पहले वो करना है, याद रखना मेरी बात को, पहले आपको वो करना है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ध्यान रखना मेरी बात को, देखो भले ही आपके क्वेश्चन नंबर एक का पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है छठा सातवां जो भी है, इतने क्वेश्चन दिए, मान लो 7 क्वेश्चन दिए, अब आप क्या करने वालों, देखो क्या करने वालों, ध्यान से देखना मेरी बात को, समझ लेना, एक जस्ट मोमेंट रुकेंगे बस थोड़ा सा देर को, हाँ देखो समझ लो मेरी बात को ध्यान से, समझ लो सभी लोग ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे अब देखो ध्यान से, अब दिखता होगा साफ साफ, देखो क्या करना है,
मेरी बात को समझना, फर्स्ट पेपर हमें ये क्वेश्चन याद नहीं है, मान लीजिए फर्स्ट वाला याद नहीं है और हमने कॉपी हमारी इस तरीके से पूरी खुली हुई है, हमने पहले पेज पे कुछ नहीं लिखा, सेकंड वाले पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर, या फिर आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है। अब एक का कौन सा लिखना है भाई, हमें तो ये याद नहीं है, हमें दूसरा याद है तो दूसरा लिखेंगे सीधे, लिखने की जरूरत नहीं, पहला छोड़ देंगे, छोड़ दो यार याद नहीं है उसको, पहले वो करो जो याद है, दूसरा लिख देंगे। अब पूरे क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा उतार लिया यहां तक। अब क्या होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोलता है 50 वर्ड में आंसर दीजिए, वो कहता है 50 वर्ड में। अब याद रखना 50 वर्ड बोलता है मतलब कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 50 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। वही बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चनों की, वो 200 वर्ड में बोलता है, और वही बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चनों की तो वो आपको 500 वर्ड में बोलता है। यही तो आपको पता है 500 वर्ड में। अब आपको ध्यान से देखना मेरी बात को, समझ लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप एकदम जबरदस्त तरीके से। 200 वर्ड, एक मिनट देखो, 200 वर्ड, 50 वर्ड और 500 वर्ड, इस 200 वर्ड में आपको जो कॉपी का आधा पेज भर देना, यहां से लेकर आधा पेज होता है उसको भर देना, 500 वर्ड में काम चल जाएगा। उसका जो आधा पेज बचे उसको सेकंड पेपर, सेकंड क्वेश्चन भर देना, मतलब कि फोर्थ वाला पेपर फंस गया तो क्वेश्चन नंबर लिखिए फर्स्ट का फोर्थ, इस तरीके से लिख दीजिए। और आपको थर्ड वाला नहीं है तो थर्ड वाला छोड़ दीजिए। देखो पहले वो करना है जो पेपर में हमें फंसे, मतलब जो हमें याद है पहले वो करना है, पहले हमें वो करना है जो हमें पेपर में आ रहा है और हमें याद है, वही क्वेश्चन का आंसर देना है, भले ही वो सातवां क्यों क्वेश्चन ना क्यों ना हो, पहले का सातवां क्यों ना हो, या फिर सीधे लास्ट के लॉन्ग क्वेश्चन का क्यों ना हो, जो हमें याद है पहले वो करना है। पहले करना शॉर्ट में जो याद है वो करेंगे, उसके बाद में आपका आ जाएगा नेक्स्ट, और उसके बाद में आ जाएगा शॉर्ट वाला। पहले हम वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन में। अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का क्वेश्चन का पहला दे लीजिए या दूसरा दे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, उसके अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया एक और, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर तीन दे दिया। अब आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर ये वाला आपको याद नहीं है, ठीक है, नीचे वाला याद है तो आप इसको कर दीजिए, ये दोनों नहीं फंस रहे आपको, दोनों नहीं फंस रहे तो क्वेश्चन नंबर तीन पे चले जाइए, क्योंकि हम उसको बाद में करेंगे जो हमसे छूट रहा है, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे जो हमसे छूट रहा है, पहले हम वो क्वेश्चनों को करेंगे जो हमें याद है, क्योंकि हमें पहले पासिंग मार्क करना है। क्या करना है बेटा, पहले पासिंग वाला कि हम पास हो जाएं, बस अभी तो ये करना है, पास वाला कितने कर सकते हैं, मतलब 33 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 33 नंबर हमें लाना है, अब पास करना है यार, पहले पास 33 नंबर से प्लस करना है बिल्कुल आराम से, वो भी पक्का पक्का, क्यों, क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए तभी हम पेपर में पास हो पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो हमें पहले वो करना है जो हमें याद है, जो कोई सा भी क्वेश्चन हो पहले जो याद है वो, उसके बाद में मान लीजिए इन दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं फंसा, थोड़ा सा फंसा, मुझे याद तो आ रहा है, मुझे याद नहीं है पक्के तरीके से याद नहीं है, तो उसको छोड़ दो यार, उसे करो जो पक्का तरीके से याद है आपको। उसके बाद में क्या करना है, इस क्वेश्चन को उठाना है, मतलब ये याद नहीं था मुझे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था यार, हाँ ये होगा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, उसके बाद में इसको बनाने में लास्ट में काम करिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, फिर आपको जो पेज होगा छठा सातवां आठवां जो भी पेज हो, ठीक है, जो भी पेज हो कॉपी का, इस तरीके से कॉपी खुलोगी, ये वो आपका तीसरा पेज हो या फिर आठवां पेज हो और ये नवा पेज हो, ठीक है, ये नवा नंबर का पेज हो, आप इस पे लिखना चाहते हैं सीधे लिखिए, यहां तक भर चुके आठ पेज, यहां लिखिए क्वेश्चन नंबर, ऐसे लिखिए क्वेश्चन नंबर दो का बस आंसर, बस लिख दिए क्वेश्चन नंबर दो, इस तरीके से लिखिए और यहां लिख दिए आंसर, आंसर लिखने के बाद में यहां जो भी लिखना है ना उस क्वेश्चन के आधार पर बना बना के लिख दीजिए, लेकिन लिखना है, समझ रहे हो ना, छोड़ के नहीं आना किसी क्वेश्चन को। मेरा मकसद ये था आपको समझाने के लिए इस वीडियो में, आपको समझ में आया होगा मेरा मकसद, अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, मेरा मकसद ये था कि कॉपी को आप ओपन करिए, उसमें बॉर्डर लाइन करिए, बॉर्डर लाइन करने के बाद में आपको एक अपना पेपर वो देख लेना, ये बॉर्डर लाइन पेपर आने से पहले सब कुछ कर लेंगे, निपटा लेंगे, उसके बाद में पेपर आ जाएगा, उस पेपर को फटाफट एक नज़र में देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोग पासिंग बार तो बल्कि आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में हम वो क्वेश्चनों को पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन हमें याद है, शॉर्ट में वो याद है वो करेंगे, लॉन्ग में जो याद है वो करेंगे, वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन याद है वो हम पहले पहले करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे क्या करेंगे, उसके बाद में हम वो क्वेश्चनों को करेंगे जो हमें याद नहीं है। अब कहोगे वो कैसे, वो भी बना बना के करना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, कोई भी दिक्कत है एक्स बाई जेड उसका सोल्यूशन हम खुद कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने, अब बहुत छात्र क्या करते हैं, उनको याद नहीं है तो वो क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्वेश्चन कोई भी मान लीजिए, वो क्वेश्चन पांचवा था, क्वेश्चन नंबर पांच था, वो याद ही नहीं था हमें, अब ये क्वेश्चन हमारी कॉपी भी खाली है और हमारे पास जो घड़ी है ना उसके टाइम भी हमारे पास आधा घंटा है, 10 मिनट 20 मिनट बचे हैं, तो यार काहे बैठे हो तुम, ऐसे करके बैठने से कुछ मिलने वाला है, मुझे बताओ, किसी को ताड़ने से कुछ मिलने वाला है, ऐसे ताड़ रहे हो, ये बता दे शायद थोड़ा सा, अरे रिंकू बता दे यार, तू बता दे लैला, तू बता दे मजनू, तू बता दे, ऐसा कुछ बता सकता है नहीं ना। तो देखो यार ये बताने वाली चीज़ छोड़िए, या फिर नकल लेके आया हूँ,
पीछे लेके आऊं, कहीं घूस के लेके आऊं, उसको मत छोड़ो यार, नकल के चक्कर मत पड़ना, कभी भी मत आ रहा हूँ। यूफेम लगने के बाद में एक साल बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी ज्यादा आप पे 2 साल का क्लेम डाल दे, हो सकता है, समझ रहे हो ना, इसलिए ध्यान से काम करो। अब क्या करना है, अब जो क्वेश्चन को आप यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और यहां लिखेंगे आंसर, और लिखने के बाद वो करेंगे जो आपको किसी को पता भी ना हो, लिख दो यार जो याद है, चाहे किसी क्वेश्चन का आंसर कहीं से लिख दो, लेकिन लिखना है उसके आधार पर, हेडिंग वही डालेंगे कि इसके आधार पर ये लिखेंगे, और पूरा जो भी दिल में आ रहा है उसको बना बना कर देंगे जब याद नहीं है तो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपने क्वेश्चन गलत मतलब कि आंसर मतलब क्वेश्चन गलत करके आओगे तो आपको नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो लिखना है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के आंसर जो आपको याद है, क्योंकि एग्जामर क्या करता है, स्टार्टिंग से तो आपकी कॉपी चेक करेगा, हाँ यार बच्चे ने 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 20 नंबर, इसके 36 नंबर आ गए, 48 नंबर, हाँ 40 नंबर हो गए। अब आपने जहां जहां अच्छा नंबर तक करा है 40 नंबर के लिखे आए, मतलब अच्छा अच्छा पहले स्टार्टिंग याद था वो अच्छा 40 नंबर का हो गया, अब उसने तो भाई कॉपी में लिख दिया कि 40 नंबर इस बच्चे के हैं, अब उसने आपको जो बना बना के लिखा है ना आपने, यार वो इसलिए देखेगा, यार देख लो बच्चे को, ये भी देखो उसने देखा, हाँ यार करा तो है, मेहनत तो की है, भले ही उसने याद ना हो लेकिन उसने बनाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को, तो वो 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1 या फिर 2 नंबर देने की जरूर कोशिश करेगा कि उस बंदे ने आगे अच्छी अच्छी तरीके से कॉपी लिखी, इसे याद नहीं था फिर भी इसने किया, लेकिन किया जरूर उसने अपनी, मतलब इसने हार नहीं मानी, ठीक है ना, हार नहीं मानी इस क्वेश्चन के प्रति, तो वो आपको करना है इस तरीके से, जहां 4 नंबर मिलने के थे वहां 1 या फिर 2 नंबर मिलेंगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यार कुछ 0 तो नहीं मिलेगा ना, मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा, तो वो आपको तरीका अपनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यार मेहनत करिए अच्छे तरीके से, कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमें, हम आपकी हेल्प करेंगे, और पेपर हैकर आपकी हमेशा हेल्प करने वाला है, तो चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करो फटाक से।